गाजीपुर के सैदपुर कोतवाली पुलिस को शुक्रवार की देर शाम बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने स्वाट टीम के साथ दो इनामिया बदमाशों पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा उनके पास से कई असलहे बरामद किए गए हैं। शनिवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आए अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। इन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। एसपी ने बताया कि सूचना पर सैदपुर कोतवाली स्वाट टीम और करंडा थाना पुलिस द्वारा रेलवे क्रॉसिंग मोड़ से 50,000 के इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश सैदपुर क्षेत्र के देवचंदपुर निवासी कुख्यात अपराधी कर्मवीर सिंह उर्फ सनी और आनंद सिंह उर्फ ढोलक हैं। इनके पास से 9 mm और 32 बोर की एक पिस्टल के साथ ही 5 कारतूस तथा एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस कप्तान ने जानकारी देते हुए बताया कि इनकी निशानदेही पर हत्या सहित डकैती के दौरान 14 अक्टूबर की रात देवचंदपुर में स्थित पेट्रोल पंप से लूटी गई 315 बोर की राइफल, एक DBL गन, 12 बोर का रिपीटर गन बरामद किया गया है। गिरफ्त में आए बदमाशों के खिलाफ सैदपुर में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, सैदपुर में पेट्रोल पंप में तेल भराने के दौरान कुछ अभियुक्तों ने वहां पे गोलीबारी कर दी थी और वहां से असलहे लूट लेकर के चले गए थे और वहां पे त्रिभुवन सिंह की हत्या 14 अक्टूबर को कर दी थी सैदपुर के पेट्रोल पंप में देवचंदपुर में। इस घटना में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसके जो दो मुख्य अभियुक्त कर्मवीर सिंह उर्फ सोनू और ढोलक आनंद सिंह उर्फ ढोलक, ये दो जिन पे 50,000 का इनाम रखा गया था और लगातार पुलिस हमारी इनके पीछे थे, तो हमारी जो स्वाट टीम है और सैदपुर की पुलिस की टीम है, इन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन में इनको दोनों को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। और इनके द्वारा जो असलहे लूटे गए थे, एक राइफल DBL रिपीटर, उसको तो बरामद ही किया गया है, साथ ही उस आला कत्ल 9 mm पिस्टल और 32 बोर पिस्टल को बरामद किया गया है जिससे फायरिंग में इन्होंने त्रिभुवन सिंह की हत्या की थी। इस संदर्भ में पहले भी दो अभियुक्तों को, दीपक सिंह को और सूरज पांडे को, जेल भेजा जा चुका है और दो अभियुक्त इसमें 120B और 216 के अंतर्गत और भेजे जा चुके हैं। बाकी अभियुक्तों जो इसमें इस घटना में जो लोग शामिल थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही हमारी टीमें लगी हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम में सैदपुर कोतवाली प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य, स्वाट टीम प्रभारी श्याम जी यादव, विश्वनाथ यादव, करंडा थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार पांडे, उप निरीक्षक घनानंद त्रिपाठी, उप निरीक्षक वंश बहादुर सिंह, उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल कृपा शंकर, कांस्टेबल नागेंद्र कुमार, कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल भाईलाल, कांस्टेबल राणा प्रताप सिंह, कांस्टेबल आशुतोष सिंह, कांस्टेबल रोहित सिंह और कांस्टेबल विनय यादव शामिल थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।